सो गाइज़ वी हैव रीच्ड एट मुंबई एयरपोर्ट. अभी हम लोग मुंबई आ गए हैं एंड उसके बाद में यहाँ से हम लोग का सुबह की 4 बजे फुकेट के लिए फ़्लाइट है. एयरपोर्ट की एक ही चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है. मतलब कब से चल रहे हैं लेकिन हम लोग पहुँच ही नहीं रहे कहीं. देखो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी सुंदर तो होता है लेकिन बहुत चलना पड़ता है कहीं पहुँचने के लिए, चलना पड़ता है. अभी मैं हाल फिलहाल मोबाइल में वीडियो शूट कर रही हूँ. थोड़ी टाइम थोड़ी देर बाद में मैं कैमरा का यूज़ करूँगी. मेरी ऐसी हालत का कारण ये है कि मेरा सर बहुत दुख रहा है अभी. गाइज़ आप देख सकते हो कि ये इमिग्रेशन की लाइन है. अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जल्दी कर लेते हैं ये सारा प्रोसेस एंड देन फिर उसके बाद हम लोग को आराम ही आराम करना है, वेट करना है. फिर मैं मिलती हूँ आपसे इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद. तो गाइज़ अभी 1 बज रहे हैं एंड मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो मम्मी ने खाना भेजा था तो वो हम लोगों ने खा लिया है अभी, क्योंकि वहाँ तो हमें घर का खाना मिलने से रहा. और अब मैं ये मिठाई खाने जा रही हूँ जो मेरी दीदी लेकर आई है. बड़ी ज़ोरों की भूख लग रही थी, यहाँ तो बाहर का खाना खाना ही है, तो मैंने रेफरेंस दी जो ना हम घर के लिए खाए. काफ़ी अच्छा वेट भी कम हो जाएगा ये सब खा के, लेकिन कोई बात नहीं, पापा से डाइटिंग कर लेंगे. अभी वेकेशन पे है तो ये सब साइड में रख सकते हैं. तो गाइज प्लान ऐसा है कि हम लोग क्यों जा रहे हैं, मतलब एकदम सडन प्लान नहीं था. इट वाज लाइक वी यूजुअली गो समवेयर यू नो फॉर ट्रैवल ऑन आवर एनिवर्सरीज एंड ऑन आवर स्पेशल ओकेजन. तो स्पेशल ओकेजन पे हम लोग कहीं ना कहीं जाते ज़रूर हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इस बार सोचा कि लेट्स गो टू थाईलैंड. थाईलैंड कुछ टाइम पहले ही ओपन हुआ एंड काफ़ी वहाँ पर इंडियंस अभी जा रहे हैं एंड काफ़ी सुंदर जगह है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रैवल किया जाए वहाँ पर. मैंने जा रहे हैं फ्लाइट, लेट्स गो टू फुकेट. गाइस हम लोग फुकेट एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं एंड दिस इज़ द इमिग्रेशन लाइन. यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो बाकी सारा तो प्रोसेस जल्दी होगा बिकॉज वहाँ पर फोटोज़ एंड एवरीथिंग वाज डन. फॉर्म हमने फिल कर दिया था ऑन अराइवल का एंड दैट वाज सो क्विक. अब बस इमिग्रेशन क्लियर करना है एंड देन बैगेज एंड वी आर डन. सो दिस इज़ द एयरपोर्ट ऑफ फुकेट. इमिग्रेशन क्लियरेंस हो गया हम लोगों का एंड अब हम लोग बैगेज की ओर जा रहे हैं, तो आई होप ये भी जल्दी हो जाए एंड हम लोग यहाँ से जल्दी निकले सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर डे. गाइस हम लोग ने हमारा सामान ले लिया है सारा, अब हम लोग बाहर जा रहे हैं. लेट्स सी कोई वेट कर रहा है या नहीं. बड़ी मुश्किल से मेरा नाम मिला है, देखो वो भी इस तरह से लगा हुआ. लेट्स गो इनसाइड. अभी हम लोग कैब में बैठ गए हैं और अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं. काफ़ी मतलब स्मूथ प्रोसेस था, हम लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा. सो लेट्स गो. गाइस अभी यहाँ पर वेदर तो थोड़ा रेनी जैसा हो रहा है, बारिश जैसा हो रहा है एंड काफ़ी ह्यूमिडिटी भी हो रही है यहाँ पर. इतना बड़ा काला बादल, ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश होने वाली है थोड़ी देर में. सो आई होप पतोंग पहुँचते पहुँचते बारिश ना हो सो दैट हम लोग बाहर फिर नहीं जा पाएंगे. गाइस एक और चीज़, हमें लगा था कि यहाँ पर जो करेंसी है वो चेक की जाएगी कि मिनिमम लाइक 10,000 बाद पर पर्सन होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. लाइक आफ्टर सीइंग सो मैनी वीडियोस मैंने एक्सप्लोर किया था, तो उसके बाद में हम लोग ने सोचा कि नहीं वहाँ पर अगर चेक हो गया तो लेके चलना चाहिए. तो हम पर पर्सन 10,000 बात लेकर भी आए थे. मतलब इन पहाड़ों को देखने के बाद तो मेरा मन ऐसा हो गया है और इतना प्यारा वेदर हो रहा है. आहा
अभी हम लोग पहुँच गए हैं होटल एंड क्योंकि 2 बजे चेक इन होता है तो वी आर वेटिंग हियर। हम लोग ने होटल में मतलब काफ़ी सारा अंदर घूम लिया, स्विमिंग पूल देख लिया एंड हम लोग की फेवरेट चीज़ भी है यहाँ पर टेबल टेनिस, तो अगर हम लोग को फ्री टाइम मिलेगा तो हम टेबल टेनिस भी खेलने चले जाएंगे। एंड अभी हम लोग ने स्विम कार्ड नहीं परचेज़ की क्योंकि एयरपोर्ट पे वो ज़्यादा कॉस्टली हम लोग को मिल रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेते हैं पहले एंड फिर हम लोग बाहर जाते हैं, थोड़ा सा बाहर देखते हैं एंड विल परचेज़ अ न्यू सिम कार्ड। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेदर भी काफ़ी अच्छा है अभी यहाँ पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी मतलब धूप निकल जाती है। तो मेरी ऐसी हालत हो रही है, मतलब नींद सी आ रही है थोड़ी, लेकिन वेदर को देख के और जगह को देखकर मेरी नींद भी अभी जा चुकी है। गाइस हम लोग का प्लान ऐसा है कि रेस्ट करेंगे, फिर रेडी होंगे, देन वी ईट समथिंग, देखते हैं आसपास कुछ अच्छा इंडियन कुछ मिल जाए तो, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कि मैं कुछ और खाऊँ, खाने वाली भूख लग रही है क्योंकि 12-1-2 बज चुके हैं, लेकिन इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग अभी 10 बजे हैं। वहाँ तो मैं इतनी जल्दी उठती भी नहीं हूँ, तो 2-3 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं जहाँ पर नियर बाई है। आज का दिन थोड़ा सा हम लोग लीजर वाले ही रखेंगे, थोड़ा नॉर्मल रखेंगे एंड फ्रॉम टुमारो विल गेट अप अर्ली एंड कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा टेम्पल्स एंड एक और बीच है जिसका नाम है फ्रीडम बीच, तो वहाँ पर हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे कल एंड सो ऐसा प्लान है। एंड कल ही हम लोग फेरी और जो अदर जो है उसकी भी बुकिंग हम लोग देखेंगे। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं तो इसके अंदर ऐसे बताया है कि अगर आप आए हो तो मेक श्योर कि आप एडवांस में बुकिंग कर लो बाहर से ही, बिकॉज अगर आप खुद से जाते हो लाइक अगर आप खुद से ही यहाँ से पियर जाओगे एंड देन वहाँ से फिर आप फेरी का टिकट लोगे तो आपको वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए यहाँ से बाहर से लेंगे तो एक साथ ही आपको जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी मिल जाता है प्लस फेरी का टिकट भी मिल जाता है तो वो थोड़ा आपको कॉस्टली नहीं पड़ता, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में आपको पड़ जाएगा। प्राइस फ़ोन तो मेरा पूरा डिस्चार्ज हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना लेती हूँ, एक पूरे रिलैक्स वाले मोड में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा आराम करूँ, मैं चिल करूँ पानी के पास। मैं आपको थोड़ा कुछ बाहर का दिखाती हूँ कैसा दिखता है प्राइस। इसके अंदर पूरा मतलब बर्फ से बना है, अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा समझ नहीं आएगा इसे। बर्फ तोड़ दे रहे हैं तो गाइस मैंगो जूस तो काफ़ी ठंडा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे लेके चलते, थोड़ी गर्मी में उसे गर्म कर देते हैं और फिर पियेंगे ताकि हम लोग बीमार ना हो, बस रास्ता ना भटक जाए क्योंकि हम लोग के पास सिम कार्ड नहीं है एंड नेटवर्क नहीं है तो हम ऐसे ज़्यादा घूम नहीं रहे, मतलब बेसिकली वी आर जस्ट मूविंग अराउंड। गाइस हम लोग अब वही 400 वाली सिम कार्ड लेने जा रहे हैं क्योंकि 400 भाट नॉट रुपीज़, इट इज़ डेफिनेटली लाइक अराउंड 900 समथिंग। सो गाइस अभी ऐसा हुआ है कि हम लोग लोकेशन पे तो खड़े हैं बट हमें रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है कि दे हैव मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हम अभी नंबर पे कॉल कर रहे हैं, लेट्स सी अगर कॉल पिक कर लेते हैं तो विल हैव लंच, नहीं तो देन वी विल सर्च फॉर अनदर रेस्टोरेंट। एंड फ़ोन भी नहीं लग रहा है, देख सकते हैं कि फ़ोन मतलब भूख लग रही हो और आपको खाना नहीं मिले तो आपको और ज़्यादा चिड़ मच जाती है।
हम लोगों को रेस्टोरेंट वाले भैया पिक करने आ गए हैं, उनके रेस्टोरेंट तक लेके जा रहे हैं गाड़ी पे। हम ट्रिपलिंग कर रहे हैं वैसे बेसिकली। सो गाइज, बड़ा अच्छा हमें घरेलू खाना, घर का बना हुआ खाना खाने को मिल गया पहले दिन। आप और क्या चाहोगे। सो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता था। हम लोग ने अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया है और अब हम हमारा होटल जा रहे हैं। सो अब तो हमें शायद रूम हमारा मिल जाए, तो अब अच्छे से थोड़ी नींद निकालेंगे। फिर शाम को बीच और एक पॉइंट सनसेट पॉइंट है, तो वो देखते हैं, अगर कवर कर पाएँ तो ठीक, नहीं तो फिर हम कल उसे कवर करेंगे। गाइस, तो अब फाइनली हमको रूम मिल गया है, रूम अलॉट हो गया है और अब हम लोग हमारा सामान लेके ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। एंड कहाँ है हमारा लगेज, वो रहा हमारा लगेज। लेट्स ब्रिंग आवर लगेज एंड लेट्स मूव टू आवर रूम। तो अभी बैग लेके ऊपर जा रहे हैं हम लोग। लेट्स क्विकली गो इन टू आवर रूम। तो थोड़ा सा स्विमिंग पूल भी दिखा देती हूँ कि हम लोग को स्विमिंग पूल वगैरह भी है। मैन टेबल टेनिस ऑफ कोर्स, व्हेन यू आर बोर्ड यू कैन प्ले टेबल टेनिस ऑल्सो, यू कैन स्विम, यू कैन सी द वाओ पीपल आर हैविंग, people are enjoying too much, you know, look at this. So पैर में मेरा ना जूता काट रहा है बहुत ज़्यादा। Oops. तो इस तरह से लिफ्ट भी बंद हो जाती है, कई बार ऐसा होता है। सुपर फास्ट लिफ्ट है ये, सारा सामान हमने ले लिया है, लिफ्ट में है। और रूम नंबर क्या है हम लोगों का? 322। इतनी ह्यूमिडिटी, पूरी गोवा जैसी फीलिंग आ रही है। सो हम हमारे फ्लोर पे आ गए। सो गाइस, अब हम अंदर जा रहे हैं। सो गाइस, तो रूम में एंटर होते ही पहले तो एक बाथरूम है, बड़ा सा कांच है इसके अंदर, बाथरूम बड़ा सा कांच। मैं थकी हुई, फिर इधर चलते हैं हम लोग। बड़ा खूबसूरत सा रूम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉकर भी दिया हुआ है एंड ये सारी चीज़ है। ब्यूटीफुल सा कोजी सा बेड है यहाँ पर, टीवी। और देखिए, दिस इज ग्रेट। हालांकि हम लोगों को व्यू वो वाला नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, स्विमिंग पूल वाला, बट दैट्स फाइन, दैट्स ओके। ब्यूटीफुल, आई लाइक इट, ब्यूटीफुल रूम। तो बालकनी में हम आ गए हैं, स्विमिंग पूल ढक चुका है पूरा जो नहीं मिल रहा है, बट दैट्स फाइन, वहाँ पर हम लोग कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर कॉफ़ी मशीन है एंड ओके, सो दिस इज इट एंड वाटर बॉटल कुछ। सो गाइज, अभी हम लोग थोड़ा आराम करते हैं और फिर मैं रेडी होके फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।